जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई कोचिंग रेगुलेशंस के उस नियम से, जिसमें कहा गया है कि 16 साल से कम बच्चों को अब कोचिंग आप नहीं पढ़ा सकते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो 16 साल से कम है, कहीं कोचिंग पढ़ता है, तो अब वो नहीं पढ़ पाएगा कोचिंग में। अगर आप एक कोचिंग चलाते हैं और आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोई 16 साल से कम उम्र का बच्चा है, तो वो अब कोचिंग नहीं कर सकता। क्या है नोटिफिकेशन, क्या ज़रूरत थी इस नोटिफिकेशन की, और इस नोटिफिकेशन पर मेरी राय क्या है, आइए जरा इस पर बात करते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात करूंगा कि देखिए, कोचिंग सेंटर पे आपने बड़ा एक्शन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। 16 साल से कम उम्र के बच्चों को नो एंट्री कर दिया आपने कोचिंग में, बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन ये फैसला कैसा है, सही या गलत है, इसको कहने से पहले आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि आपके सरकारी स्कूलों की हालत क्या है। क्या आप अपने सरकारी स्कूलों की हालत पे इतना उम्मीद और इतना यकीन करते हैं कि सरकार में रहने वाले व्यक्ति अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं? दोस्तों, ये फैसला बिल्कुल स्वागत के योग्य है कि हम जो बच्चों के ऊपर मेंटल प्रेशर दे रहे थे उसको कम करना बहुत जरूरी है, ठीक है। लेकिन सर, बच्चे जाएंगे कहाँ, पढ़ेंगे कहाँ? आप अपने सरकारी स्कूलों की हालत तो देखिए। मैं बड़े शहरों की बात नहीं कर रहा सर, मैं गाँव की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे सरकारी स्कूलों में बच्चे बस आते और जाते हैं या फिर केवल उनका नाम चलता है। उनके माँ बाप अपने पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई की चिंता के लिए कहीं कहीं ट्यूशन्स लगा देते हैं, कहीं कहीं कोचिंग लगा देते हैं। अब वो शायद ये भी नहीं कर पाएंगे। खैर बहरा, आइए जरा इस पूरे खबर को पढ़ते हैं, फिर हम अपनी इस पे राय रखेंगे। तो जैसा कि आप सबको बताया कि 16 साल से छोटे बच्चों को कोचिंग में अब नो एंट्री है, सरकार ने मना कर दिया है। मना क्यों किया गया, क्या वजह है, ये देखिए। प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स की मनमानी अब केंद्र सरकार ने लगाम कसने की तैयारी कर ली है। ये प्राइवेट कोचिंग सेंटर के ऊपर जो मनमानी है उसके ऊपर लगाम किया जाएगा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस फैसले से जो बड़े बड़े एजुकेशन के एंटरप्रेन्योर हैं, जी जो ऐसे मिनिस्टर हैं, जो ऐसे ऐसे बड़े बड़े इंसान हैं, पैसे वाले हैं, जो महंगी महंगी प्राइवेट स्कूल पढ़ाते चलाते हैं, उनके तरफ बच्चों का एडमिशन ज़्यादा जाएगा? हो सकता है। देखो, मैं ये भी मानता हूँ कि अभी एक ऐसा माहौल हो गया था कि बच्चे का एडमिशन आप कहीं करा दीजिए, किसी सरकारी स्कूल में करा दीजिए या किसी कम फीस वाले इंस्टीट्यूट में करा दीजिए और बच्चे को प्राइवेट में ट्यूशन करा दीजिए। ये माहौल था अभी समाज में, ये समाज की हकीकत थी। तो ये भी हो सकता है कि जो बड़े बड़े पैसे वालों का ब्रांड स्कूल है ना, इन ब्रांड स्कूलों में एडमिशन कम जा रही थी, इनकी इनकम कम हो रही थी, तो सरकार ने एक नोटिफिकेशन, ऐसा हो सकता है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है। अब सरकार ने क्या कहा भाई, कि प्राइवेट कोचिंग वाले 16 साल से कम बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। अब आप नहीं पढ़ा सकते तो आप क्या करेंगे, अब उन महंगे स्कूलों की तरफ भागेंगे, क्योंकि आपको तो चिंता है कि आपको बच्चों को पढ़ाना है, तो इससे किसको फायदा होगा, इस चीज़ को भी ज़रा समझना पड़ेगा। मैं ठीक है, ये फैसला बिल्कुल सही है कि बच्चों के ऊपर मेंटल प्रेशर नहीं देना है। सर, अगर नहीं देना है तो आप अपने सरकारी सिस्टम को सही कर लीजिए, आप अपने सरकारी विद्यालयों को सही कर लीजिए, लेकिन आप वो नहीं करेंगे। प्राइवेट में जो बच्चे जा रहे थे उनको आपने मना कर दिया, ट्यूशन पढ़ाने से रोक दिया। ये भी बात हकीकत है कि जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं टीचर, आपने कभी उनकी स्थिति जानने की कोशिश करी कि उनकी सैलरी कितनी मिलती है, उन्हें टॉर्चर किया कितना जाता है, उनको कैसे ट्रीट किया जाता है स्कूलों के अंदर, कभी आपने इस पर जानकारी लेने की कोशिश करी? नहीं करी। कम फीस में बच्चे टीचर्स जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतनी जॉब वैकेंसी है नहीं कि जितने लोगों को आपने बीएड और डीएलएड कराया है आप उनको वैकेंसी दे दें। तो इसीलिए बीएड डीएलएड और सीटेट पास करने वाले लोग जाके प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, सैलरी कम मिलती थी, तो एक दूसरा उन्होंने ऑप्शन रखा था कि हम बच्चों को ट्यूशन या कोचिंग पढ़ा देंगे, जो कि आपने उसको भी बंद कर दिया, बहुत अच्छा किया। तो ले आइए ना भर्ती सर, उत्तर प्रदेश में 2018 के बाद कोई भर्ती नहीं आई, अब भर्ती ले आइए, इनको सरकारी विद्यालय में डालिए, फिर वो वहाँ पढ़ाएंगे। किसको इतना शौक लगाया सर कि 10 घंटा 12 घंटा प्राइवेट में पढ़ाएं फिर आप ट्यूशन पढ़ाएं? मजबूरी है, क्योंकि रोजगार का साधन नहीं है, मजबूरी है क्योंकि उनको अपना घर चलाना है। खैर, प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स की मनमानी पर अब केंद्र सरकार ने लगाम कसने की तैयारी कर ली है। इन नई गाइडलाइंस के अनुसार अब कोई भी कहीं भी और कभी भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर नहीं खोल पाएगा। इसके लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। यही नहीं, अब कोचिंग सेंटर 16 साल से कम उम्र के बच्चों को पढ़ाई के लिए नामांकन नहीं होगा। कोचिंग सेंटर किसी भी छात्र से मनमानी फीस वसूल नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छा फैसला लिया सर आपने, बहुत ही अच्छा फैसला लिया। लेकिन सर, आपने जो प्राइवेट कोचिंग के ऊपर कड़ा फैसला लिया, प्राइवेट स्कूलों पर भी तो आप फैसला लीजिए। क्या सरकार के पास इतनी ताकत, इतनी हिम्मत और इतनी साहस है कि एक पैरामीटर फिक्स कर दे कि 6 से 8 तक के बच्चे का प्राइवेट स्कूल इतना ही फीस लेगा, 2000, 3000, 2500 इतना ही फीस लेगा? क्या ये सरकार तय कर सकती है? नहीं करेगी सर। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि प्राइवेट स्कूल है किसके, बड़े बड़े जो ब्रांड स्कूल है ना, डैश पीएस, फलाना ढिमकाना पब्लिक स्कूल, फलाना ढिमकाना पब्लिक, ये सारे जो इंस्टीट्यूट है ना, वो है किसके?
मालदारों के, पैसे वालों के, जिनके ऊपर सरकार की कोई चलती नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा किया आपने कोचिंग मना कर दिया। मैं ना कोचिंग पढ़ाता हूँ और ना कोई लोग मेरे जानने वाले कोचिंग पढ़ाते हैं, लेकिन हाँ बात यह है कि आप तब इस नियम को लागू करिए जब आप सारे बच्चों को सरकारी स्कूलों में आप पढ़ा सके और सारे लोगों को आप सरकारी स्कूल में जॉब दे सके। और अगर आप प्राइवेट कोचिंग के ऊपर आप ये नियम लगा रहे हैं तो प्राइवेट स्कूलों के ऊपर भी नियम लगाइए जो कि आप कभी नहीं लगाएंगे। खैर, गाइडलाइंस क्यों आई है? गाइडलाइंस में कहा जा रहा है दोस्तों कि केंद्र सरकार ने ये गाइडलाइन देश भर के नीट या जेई की तैयारी कर रहे छात्रों के बढ़ते सुसाइड के मामले और देश में बेलगाम कोचिंग सेंटर की मनमानी को लेकर दिया गया है। अब आप बताइए, अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं आप, अच्छा अच्छी बात यह है कि जो मेरे वीडियो देखने वाले हैं ना वो बीएड और डीएलएड और एमएड वाले बच्चे हैं जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। अब मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, कौन ज्यादा बेलगाम है, प्राइवेट कोचिंग या प्राइवेट स्कूल, कौन ज्यादा बेलगाम है? लेकिन सरकार किस पे लगाम लगा रही है, ये सवाल आप अपने से पूछिए और इसका जवाब आप जरूर दीजिए। ठीक है, चलिए, तो सुसाइड के मामलों में क्या किया सरकार ने, बेलगाम कोचिंग सेंटर्स की मनमानी को लेकर ये गाइडलाइन जारी किया है। गाइडलाइन के अनुसार आईआईटी जेईई एमबीबीएस नीट जैसे प्रोफेशनल कोर्स के लिए कोचिंग सेंटर के पास फायर और भवन सुरक्षा संबंधित एनओसी होना चाहिए। ये अच्छी बात है कि अगर आप कोचिंग चला रहे हैं तो फायर संबंधित आपके पास एनओसी होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। परीक्षा और सफलता के दबाव को लेकर छात्रों की परेशानी दूर करने के लिए उन्हें मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता भी उपलब्ध कराई जाए, ये बहुत अच्छी बात है, ये होनी चाहिए। उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना चाहिए, इतना आप उसको डरा नहीं सकते, इतना आप उसको जंग के लिए नहीं लड़ा सकते कि नहीं करोगे ये हो जाओगे, इतना नहीं करना चाहिए। मैं इस बात पे एग्री करता हूँ, सरकार का ये फैसला सराहनीय है। अब कोचिंग सेंटर के रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं, इन शर्तों को देख लीजिए। कोई भी कोचिंग सेंटर ऐसे ट्यूटर नहीं रखेगा जिसकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, मतलब जो ग्रेजुएशन कर चुका है उससे कम की क्वालिफिकेशन को आप ट्यूशन में टीचर नहीं रख सकते, अच्छी बात। कोचिंग सेंटर माता पिता छात्रों को एडमिशन के लिए भ्रामक वादे या रैंक अच्छे लाने की गारंटी नहीं दे सकते, जो कहते हैं ना कि 90% की गारंटी, सिलेक्शन की 100% गारंटी, इस तरह की आप गारंटी नहीं दे सकते। होता क्या है कि आप ट्यूशन तो गारंटी दे रहा है और बच्चा असफल हो जाएगा तो क्या होगा, बच्चा कहेगा कि नहीं मेरे अंदर कमी है या माँ बाप को लगेगा ये बच्चे, तो गारंटी नहीं दे सकते भाई, एजुकेशन में कोई गारंटी दे भी नहीं सकता। 16 साल से कम छात्रों का एडमिशन नहीं करेंगे, उनका एडमिशन 12वीं कक्षा पास करने के बाद ही किया जाएगा, अच्छी बात है। हर कोर्स की ट्यूशन फीस फिक्स होगी और बीच में फीस नहीं बढ़ाई जाएगी और साथ ही इसकी रसीद देनी होगी, ठीक है, जो भी है भाई आपको रसीद देना पड़ेगा, ये सब फैसला अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं। तय समय से पहले अगर कोई बच्चा छोड़ देता है तो 10 दिन में बची फीस वापस करनी पड़ेगी, ये ट्यूशन वालों के लिए बहुत अच्छा नियम है। अगर स्टूडेंट हॉस्टल में रह रहा है तो हॉस्टल की फीस और मेस की भी फीस लौटानी होगी। कोचिंग की वेबसाइट पर, अब ये है ना कि सरकार एक एक वेबसाइट जारी करेगी जिसमें क्या है, सभी कोचिंग वालों को अपना रजिस्ट्रेशन करना है और उस रजिस्ट्रेशन पे कोचिंग की वेबसाइट, फैकल्टी जो भी बच्चे हैं, जो टीचर हैं, उनका डिटेल्स रहेगा, उनकी एलिजिबिलिटी रहेगी और जो भी कोर्स है उसको कितने समय में पूरा करना है ये डिटेल्स रहेगा, बच्चों का डिटेल्स रहेगा, फीस की सारी डिटेल्स रहेगी उस रजिस्ट्रेशन पे, ये बहुत अच्छी बात है। देखो ये अच्छी बात है, लेकिन आप इन चीज़ों को समझिए कि जो गाँव में लोग 10-15 बच्चे 20 बच्चे 15 बच्चों को पढ़ा के अपना जीविका चलाते थे उनका क्या होगा, क्योंकि उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वहाँ पर, खैर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बड़े एजुकेटर को सपोर्ट मिलेगा। गांव में जो छोटे एजुकेटर हैं जो थोड़े थोड़े बच्चों को पढ़ाते थे उनके लिए ये फैसला उतना सही नहीं होगा, उनके लिए मुश्किल साबित हो सकता है। हॉस्टल की सुविधा, फीस और मेस की पूरी जानकारी आपको वेबसाइट पर देनी पड़ेगी। बच्चों की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना होगा, साथ ही उनके ऊपर अच्छा परफॉर्म करने का प्रेशर नहीं बनाना पड़ेगा, ये भी सरकार की अच्छी बात है। अगर स्टूडेंट किसी परेशानी में है तो मदद के लिए सिस्टम बनाना होगा। कोचिंग सेंटर में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए प्रॉपर चैनल हो, साइकोलॉजिस्ट काउंसलर के नाम और वर्किंग टाइम की जानकारी पेरेंट्स को देनी होगी और ट्यूटर भी स्टूडेंट्स को गाइडलाइंस देने के लिए मेंटल हेल्थ टॉपिक ट्रेनिंग लेंगे, मतलब ठीक है साइकोलॉजिकल, इसीलिए देखो मैं तो खुद मैंने बीएड किया हुआ एमएड के स्टूडेंट, हमें पता है कि साइकोलॉजी कितना स्टूडेंट है, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ना कितना जरूरी है, क्योंकि आप जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप इतना प्रेशर नहीं दे सकते, चाइल्ड साइकोलॉजी जानना पड़ेगा, इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, बच्चों को समझाना पड़ेगा, ये बहुत अच्छी बात है। इन सब के अलावा शिक्षा मंत्रालय की गाइडलाइंस का पालन न करने पर कोचिंग सेंटर पर 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाने का प्रावधान है। अगर कोचिंग वाले स्टूडेंट से ज्यादा फीस वसूलते हैं तो कोचिंग का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है। तो ये सारी गाइडलाइंस है दोस्तों, अब यहाँ पे आपको एक विचार करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कुछ सोचना पड़ेगा। देखिए मेरा कोई द्वेष नहीं है ना मेरा कोई बहुत बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, लेकिन आपको चीजों को दोनों पक्ष को देखना पड़ेगा। कोई शौक से, आपको पता है कोचिंग वाले कैसे, मैं बड़े एजुकेटर या बड़े बड़े जो नाम है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो गाँव में मोहल्ले में कॉलोनी में ये जो ट्यूशन कोचिंग पढ़ाते हैं ना, आप कभी इनकी मेहनत को देखिएगा,
आप इनको देखेगा कि कितनी फीस लेते हैं और कितनी मेहनत करते हैं, महीने दिन काम करते हैं, ठीक है मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं। उनका एक ये साधन था, उनका एक जीविका का साधन था। क्योंकि आप जरा खुद सोचिए, जैसे आप बीएड के स्टूडेंट हैं, आप जरा खुद सोचिए, जिस बच्चे ने बीएड किया है, जिस बच्चे ने बीएड किया है, वो इस पढ़ाने के अलावा और क्या कर सकता है? हमारे सिलेबस में ऐसी क्या चीजें रखी है, हमें क्या ऑप्शन मिला है कि जिस बच्चे ने बीए प्लस बीएड या बीएससी प्लस बीएड किया है, वो पढ़ाने के अलावा और क्या कर सकता है? ना हमारे पास कोई टेक्निकल डिग्री है, ना हमारे सिलेबस में कोई ऐसी चीजें हैं जिसको हम दूसरे तरीके से परस्यू कर सके। बीएड का बच्चा वो शौक से पढ़ाता है, और ये जो फीस लेना होता है ना, वो एक जरिया होता है जीविका का। वो कहीं तैयारी कर रहा होता है, बच्चों को पढ़ाता है, वो कहीं किसी एग्जाम में लगा रहता है और वो बच्चों को पढ़ाता है। अब आपने उसको क्या किया, वो सहारा छीन लिया। फीस मिलना उसके बस एक दिनचर्या का हिस्सा था, और दूसरी बात ये थी कि उसको जो तैयारी है, वो तैयारी टूटे ना रिदम बना रहा है, वो इसलिए ट्यूशन पढ़ाता था। आपने 16 साल से कम बच्चों को मना कर दिया। मुझे लगता है दोस्तों, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक चीज़ें और ऐड करनी चाहिए कि 16 साल के बच्चा, अगर माँ बाप राजी है, बच्चा राजी है, तो ट्यूशन पढ़ाने की इजाज़त देनी चाहिए। ऐसे जबरदस्ती आप उसको मना नहीं कर सकते। अगर आप मना करते हैं तो आप ऑप्शन तो दीजिए। अगर प्राइवेट वाले ज़्यादा फीस ले रहे हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर बना रहे हैं, मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कमियाँ हैं, तो आप इसके अल्टरनेटिव में इन कमियों को पूरा करके आप सरकारी इंस्टीट्यूट दे दीजिए। हर सिटी में, हर कॉलोनी में, हर मोहल्ले में आप जैसे इन टीचरों को, अरे संविदा पे ही रख लीजिए, इनको संविदा पे रख लीजिए, और एक कोचिंग इंस्टीट्यूट आप दे दीजिए जहाँ पे बच्चा पढ़ाई करे। लेकिन नहीं सर, आप नहीं करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में यही समाप्त करूंगा। मैं अपनी राय और प्रतिक्रियाएं बता देता हूँ कि कहीं ना कहीं दोस्तों, आप माने या ना माने, इस फैसले से सबसे ज़्यादा किसको फायदा होगा? जो ब्रांड प्राइवेट स्कूल है ना, जो ब्रांड, इनकी फीसें महंगी हैं, उनका फायदा होगा। क्योंकि अब आपके पास ट्यूशन का ऑप्शन नहीं है, बच्चों के फ्यूचर से आप रिस्क ले नहीं सकते। आपके अंदर भी एक थॉट बना है कि वो फलाना ढिमकाना डैश पब्लिक स्कूल जो है, वहाँ की फीस महंगी है, वहाँ पढ़ाई अच्छी होती होगी, वहाँ अमीरों के बच्चे जाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि मेरा बच्चा भी उधर ही जाए। इस फैसले से जो सबसे ज़्यादा फायदा होना, वो ब्रांड जो पब्लिक स्कूल्स हैं ना, जो डैश वाले, जो बड़े भौंकाल और बड़े अमीरों के स्कूल हैं ना, उनको ज़्यादा फायदा होगा। प्राइवेट जो ट्यूशन पढ़ाने वाले होंगे, उनके ऊपर तो नुकसान है। खैर बहरहाल, आपका क्या राय है दोस्तों? फैसला तो बढ़िया है, लेकिन तब तक बढ़िया नहीं है जब तक इसका आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन ना हो, और अभी तो फिलहाल हमारे पास कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है। इस वीडियो को मैं यही समाप्त करूंगा दोस्तों। अपनी राय प्रतिक्रियाएं जो भी हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर मेरी राय या सोच गलत लग रही हो, मुझे आप कमेंट में करेक्ट कर सकते हैं, मुझे आपका उसका स्वागत रहेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। ऐसे इस एजुकेशन से जुड़े तमाम खबरों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। थॉट पसंद आया हो तो दूसरों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। जय जय भारत।